दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक और लोकसभा की 150 सीटों पर इस वक्त मंथन। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें महाराष्ट्र बिहार यूपी की सीटों पर मंथन इस वक्त हो रहा है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल हुए हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक जारी है। पीएम मोदी भी बैठक में हो सकते हैं शामिल, ये खबरें इस वक्त सामने आ रही है। देखिए महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक सेट नहीं हुआ है। वहीं बिहार की भी बात करें तो उसको लेकर भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। यूपी में भी कुछ सीटों पर नाम तय करने बाकी है। जी मीडिया संवाददाता विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल पांडे का हम रुख कर लेते हैं, क्या जानकारी विशाल आपके पास और किन किन राज्यों को लेकर के खास करके यहाँ पर मंथन जारी है? देखिए अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचने वाले हैं और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। लगभग 150 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बीजेपी के द्वारा तय किए जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों की सीटों पर चर्चा होगी। खासतौर पर अगर हम यूपी के बारे में देखें तो 25 लोकसभा सीटों पर इस बैठक में चर्चा होगी, जिसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं और कई हाई प्रोफाइल चेहरों के भविष्य पर भी आज संभावना है कि सब कुछ तय हो जाएगा। जैसे वरुण गांधी क्या दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर, या मेनका गांधी का भविष्य क्या होगा, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह के भविष्य पर आज सब कुछ फाइनल होगा। तो ये माना जा रहा है कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में 150 नामों को तय किया जाना है अलग अलग राज्यों के, तो उसी को लेकर अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कई राज्यों को लेकर के ये मंथन इस वक्त चल रही है और मीटिंग अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। विशाल जैसे जानकारी दे रहे थे, पीएम खुद यहां पर पहुंचेंगे और यूपी के सीएम भी यहां पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक आज।